28 अक्टूबर सैटरडे के दिन यानी कि कल दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में औरंगाबाद के आमखास मैदान के ऊपर एक इज्तिमाई दुआ का इंतजाम किया गया है फलस्तीन के हक में। फलस्तीन के अंदर जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इसराइल और जितने भी उसका साथ देने वाले मुल्क है वो किस तरीके से हर रोज बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं और उसमें ज्यादातर जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जिस तरीके से मारा जा रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है, उसकी निंदा करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए और ये जताने के लिए कि ये जुल्म जो इसराइल कर रहा है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसीलिए ये इज्तिमाई दुआ का इंतजाम किया गया है। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO ने बड़ी मेहनत की है इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन भी पूरी ताकत के साथ इस इज्तिमाई दुआ के अंदर शामिल रहेगी और एक पैगाम देना चाहते हैं कि फलस्तीन के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ यहाँ के मुसलमानों से नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे सेक्युलर नॉन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने फलस्तीनियों के ऊपर हो रहे पिछले कई दशकों से जो जुल्म और ज्यादती की जा रही है उसकी कड़ी निंदा की है। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा, आइए और आप लोग एक पैगाम दीजिए कि हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। शुक्रिया।